हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। नो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ईएमएफ और कूलम्स फोर्स। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन थी? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज किसी कंडक्टर में टाइम के साथ अगर फ्लो कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, दिस इज द करंट आई, दिस इज द चार्ज क्यू एंड दिस इज द टाइम टी। सो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज चार्ज, ओम, वोल्ट और एम्पियर। स्टूडेंट्स, करंट अभी हम पढ़ चुके हैं क्यू बाय टी, एंड चार्ज के यूनिट्स क्या थे स्टूडेंट? कूलम, टाइम के सेकंड, एंड कूलम पर सेकंड कलेक्टिवली इज कॉल्ड एम्पियर, इज कॉल्ड एम्पियर। सो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, करंट किसके कारण से होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस से, फ्लो ऑफ चार्जेस से। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो प्रोटॉन्स आर रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्लो इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स। व्हाई नॉट प्रोटॉन्स? बिकॉज प्रोटॉन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे आर नॉट फ्लो। एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी करंट फ्लो। सो आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स? आयरन, टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर। सो कंडक्टिविटी ऑफ, स्टूडेंट्स वैसे तो कंडक्टिविटी सिल्वर की ज्यादा है, लेकिन हम जो घरों में वायर यूज करते हैं वो किसकी है? कॉपर की। किसकी है? कॉपर की। कॉपर की कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होने के कारण हम घरों में सिल्वर वायर्स नहीं यूज करते। बाकी आयरन और टंगस्टन की कंडक्टिविटी क्या कम है, उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हीट लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए आयरन और टंगस्टन को हम कनेक्टिंग वायर्स में यूज नहीं करते। सो घरों में हम जो कनेक्टिंग वायर्स यूज करते हैं वो किस मटेरियल की बनी हुई है स्टूडेंट्स? कॉपर। किसकी बनी हुई है? कॉपर, बिकॉज कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज लार्ज। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर टू डिलीवर 30 कूलम चार्ज। स्टूडेंट्स, हमें पता है फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब यहां पे क्या निकालना, अब टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज क्यू बाय आई, हाउ मच चार्ज फ्लो 30 कूलम एंड हाउ मच करंट फ्लो 30 मिली। स्टूडेंट्स, मिली मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो दिस 30 एंड 30 कैंसल एंड स्टूडेंट ये 10 रेज माइनस 3 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? 10 रेज टू पावर 3। सो 10 रेज पावर 3 मीन्स 1000 सेकेंड। सो हाउ मच टाइम? 1000 सेकेंड्स। सो आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, द चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 आवर। अगर 1 एम्पियर करंट 1 घंटे के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो स्टूडेंट्स कितना चार्ज होगा हम अभी देखते हैं। हमें फार्मूला पता है क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी एंड करंट फ्लो इज 1 एम्पियर एंड टाइम इज 1 आवर। एक आवर में स्टूडेंट्स कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। सो आंसर इज 3600 कूलम्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो हाउ मच चार्ज फ्लो? कूलम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एमीटर, गलवानोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट्स हमें पता है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? वोल्ट मीटर। कौन सा डिवाइस यूज होता है? वोल्ट मीटर। ये हम पढ़ चुके हैं।
एंड अमीटर किसमें यूज करते हैं? अमीटर यूज टू मेजर करंट. एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट करंट. एंड पोटेंशियोमीटर इज यूज टू आल्सो, पोटेंशियोमीटर इज आल्सो यूज टू मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो हेयर आंसर क्या है स्टूडेंट्स? वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर. नाउ टू पास थ्रू अमीटर इट शुड बी कनेक्टेड इन, स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, अमीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीटर्स इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं. सो अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? सीरीज विद द सर्किट. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो टू फाइंड आउट द ऑप्शंस, सो फर्स्ट ऑप्शन इज अमीटर एंड वोल्टमीटर. नो स्टूडेंट गलत हो गया. अमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज ये ठीक है, वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल ये वाली ऑप्शन करेक्ट है. नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब्स. स्टूडेंट टंगस्टन, टंगस्टन इज यूज टू मेक बल्ब फिलामेंट्स. एक्चुअली बल्ब फिलामेंट्स में हम वो वाला मटेरियल यूज करते हैं जिसकी हीट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी क्या हो? ज्यादा हो. एक्चुअल में टंगस्टन की रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा. टंगस्टन की रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? बहुत लार्ज क्वांटिटी में. अगर वही हीट हमें फिर क्या करती है? नजर आती है. सो बल्ब में स्टूडेंट जो बल्ब में हम जो लाइट, बल्ब की जो लाइट हम देखते हैं एक्चुअल में वो क्या है? वो हीट प्रोड्यूस बाय टंगस्टन फिलामेंट है. सो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई, टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स बिकॉज टंगस्टन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. नाउ टंगस्टन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर. यस गुड कंडक्टर तो है. इट इज इकोनॉमिकल, इट इज मेलेबल, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो पिघलेगा नहीं. अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमें क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? वो हमें दे रहा है हीट एनर्जी. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट एनर्जी. अगर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो फिलामेंट है वो मेल्ट भी हो सकता है. सो हमने वो वाला मटेरियल यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा. सो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं. आल्सो टंगस्टन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड आल्सो इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स कितना है? 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम. एंड प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हैवियर देन डैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर स्टूडेंट्स क्या आ गई? 1840. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन. स्टूडेंट सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and this is the outermost orbit. This is the outermost orbit and how many electrons in outermost orbit? 4. Total number of electrons in carbon atom is 6 and 4 electrons are present in the outermost orbit of carbon atom. So answer is B. Total number of electrons is 6 but 4 number of electrons present in the outermost orbit of carbon atom. Next, full form of CFL. Students, आजकल हम घरों में CFL बल्ब यूज कर रहे हैं. So, CFL क्या है? Compact
फ्लोरेसेंट लैम्प। सो फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स CFL की, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, एंड इज आल्सो नोन एज कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट और एनर्जी सेविंग लाइट। सो इन जो CFL बल्ब आए हैं वो क्या है, वो पावर सेव कर रहे हैं। क्या सेव कर रहे हैं, पावर एनर्जी सेव कर रहे हैं, इसीलिए आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और हम घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस करके अब क्या लगा रहे हैं, CFL बल्ब्स। क्या लगा रहे हैं, CFL लैंप्स। सो आंसर इज ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नाउ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय ग्लोइंग बल्ब कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग, स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा CFL बल्ब्स ने क्या कर दिया, जो हमारे पुराने बल्ब थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, बिकॉज CFL बल्ब्स आर एनर्जी सेविंग बल्ब्स। CFL बल्ब्स आर एनर्जी सेविंग बल्ब्स, सो CFL बल्ब्स रिप्लेस द जो ऑर्डिनरी बल्ब्स थे हमारे फिलामेंट वाले, उनको क्या कर दिया उसने, रिप्लेस कर दिया। सो आंसर इज बी, मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन। स्टूडेंट एटम में क्या होता है स्टूडेंट, टोटल चार्ज जीरो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल, एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड टोटल चार्ज इन एन एटम इज जीरो। स्टूडेंट लेकिन वो यहां पे एटम नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, आयन। क्या पूछ रहा है, आयन, और आयन कैटायन भी हो सकता है और अनायन भी हो सकता है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयन। सो मिनिमम चार्ज ऑन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट्स रबर क्या है, इंसुलेटर, प्योर वाटर भी क्या है, इंसुलेटर। प्योर वाटर इज नॉट प्रोड्यूस आयंस, सो दैट्स व्हाई प्योर वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए इंसुलेटर। बेंजीन, स्टूडेंट्स बेंजीन भी क्या है, इंसुलेटर। आंसर इज सॉल्ट वाटर। व्हाई सॉल्ट वाटर, बिकॉज सॉल्ट वाटर कंटेन्स आयंस, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर कंटेन्स NaCl, एंड NaCl व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ड्यू टू दीज आयंस इन वाटर they are good conductor. So salt water is a conductor of electricity because salt water give ions when dissolve in water. Now a combination of two or more cells, students हम पढ़ चुके हैं combination of cells को क्या कहते हैं students, battery। क्या कहते हैं, battery। जब हम एक से ज्यादा cells को series में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, battery। So battery is a combination of two or more cells. So answer is A, combination of two or more cells is battery. Now electric pressure, students हम पहले पढ़ चुके हैं potential voltage। अब हम किसी भी conductor में charge particles को flow करवाने के लिए हमें क्या चाहिए थी, voltage। क्या चाहिए थी, voltage। voltage होगी वही charge particles के ऊपर force लगाएगी, charge particles move करेंगे तभी current produce होगा। So in this case इलेक्ट्रिक प्रेशर स्टूडेंट्स अब क्या आ गया, पोटेंशियल वोल्टेज। क्या आ गई, वोल्टेज। सो इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।